नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकलस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के चलते भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने फिलहाल रूस के साथ $520 मिलियन में 10 कामों K-31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर जो खरीदने थे उसके सौदे को रोक दिया है, यानी कि इसके लिए बातचीत रोक दी गई है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने रोसबोरोन एक्सपोर्ट और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट निर्माता यानी कि मूल उपकरण निर्माता है रूसी हेलीकॉप्टरों के, उनसे बातचीत को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया है। साथ ही भारतीय अधिकारियों ने कहा कि इस सौदे को निष्पादित करने के लिए अभी यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए रशिया के पास कोई उपलब्धता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो पेमेंट मोड है उसके तहत भारत और रशिया किसी भी तरीके से इस डील को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दोस्तों नौसेना इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल पहले से करती आई है, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास अभी 14 KA-31 हेलीकॉप्टर्स हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो आज भारतीय नौसेना की ताकत काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि स्वदेशी रूप से तैयार वॉरशिप सूरत और उदयगिरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना में शामिल किया है। बता दें कि इन दोनों ही जंगी जहाजों को मझगांव डॉकशिप बिल्डर लिमिटेड यानी कि MDL ने इनका निर्माण किया है। प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर का चौथा जहाज सूरत है और उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का तीसरा जहाज है। दोस्तों अगर बात करते हैं INS सूरत वॉरशिप की तो इसका वजन है 7,400 टन, इसकी लंबाई है 163 मीटर। INS सूरत की स्पीड है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें रडार को चकमा देने की प्रणाली लगी है। इस वॉरशिप को ब्लॉक निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। इस श्रेणी के पहले जहाज को 2021 में कमीशन किया गया था। वहीं उदयगिरी वॉरशिप की अगर बात करते हैं तो भारत में ही निर्मित उदयगिरी वॉरशिप आधुनिक सुविधाओं और उन्नत हथियारों से लैस है। यह उन्नत हथियार सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। INS उदयगिरी सीरीज के युद्धपोत कई दशकों से नौसेना के लिए काम कर रहे हैं। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर दोनों ही वॉरशिप होते हैं। इनके आकार और क्षमता में अंतर होता है। फ्रिगेट के मुकाबले डिस्ट्रॉयर करीबन 1.5 गुना बड़ा होता है। फ्रिगेट किसी भी तरह की भूमिका में फिट हो जाती है, वहीं डिस्ट्रॉयर बड़ी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। इसमें एंटी सबमरीन, एंटी शिप या फिर एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है और सभी अपना रोल सटीकता से निभाते हैं। बैंगलोर स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने सारस मार्क टू 19 सीटर लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए विकसित डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम को सफलतापूर्वक मान्य किया है। अत्याधुनिक ब्रेक वाई वायर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम भारत में पहली बार नागरिक विमानों के लिए NAL के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि CSIR प्रयोगशाला का हिस्सा भी है। सारस मार्क टू पर डिजिटल एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम इंटीग्रेशन से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए छोटे रनवे वाले हवाई क्षेत्रों से संचालन में लाभ होगा। NAL के द्वारा सारस मार्क टू को विकसित किया जा रहा है और 2019 में ही भारत सरकार ने NAL को सारस MK2 19 सीटर लाइट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। उड़ान योजना के तहत दूर स्थित Tier 2 और Tier 3 शहरों को और कस्बों को जोड़ने के लिए इसे अपनी श्रेणी का सबसे बहुमुखी विमान माना जाता है। दोस्तों अमेरिका की वायुसेना ने 3 बार असफल प्रयास के बाद अंततः पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने में सफलता हासिल की है। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि एक AGM-183A हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। हवा में किए गए इस मिसाइल परीक्षण को अमेरिका ने B-52H महाविनाशक बॉम्बर से अंजाम दिया है। दोस्तों अमेरिकी वायुसेना ने यह मिसाइल टेस्ट ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रही है और हाइपरसोनिक मिसाइलों का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि इस परीक्षण को दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट पर प्रशांत महासागर के ऊपर अंजाम दिया गया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने हाइपरसोनिक गति हासिल की। हालांकि अमेरिकी वायुसेना ने इस परीक्षण के बारे में ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन जो जानकारी मिली है उसमें कहा जा रहा है कि इस मिसाइल में बूस्टर रॉकेट लगा है जो मिसाइल को Mach 5 से ज्यादा की गति देता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में चीन और रूस सबसे आगे हैं और इस तरीके की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें अमेरिका पीछे हो रहा था, लेकिन अब पेंटागन ने अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है और उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 10 से 12 हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दागा है। दोस्तों बेंगलुरु आधारित अरु प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि उन्होंने अपने पहले सेट के तहत भारतीय सेना को 41,000 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम को सौंपा है, जिससे कि शरीर को गर्म रखा जा सकता है -50 डिग्री सेल्सियस में भी। साथ ही अरु ने कहा है कि वो भारतीय सेना के साथ एडवांस फील्ड ट्रायल्स भी कर रहे हैं नए एक्सट्रीम कोल्ड क्लोथिंग ट्राउजर्स के, जो कि -30 डिग्री सेल्सियस तक में भी बचाव कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I आपको मालूम ही है कि लगातार लेट हो रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ी टेंशन भारत को आने वाले समय में हो सकती है और इस बात का खुलासा खुद भारतीय नौसेना के रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने किया है। उन्होंने कहा कि 8 युआन क्लास की जो चाइनीज पनडुब्बियां हैं जो कि AIP सिस्टम से लैस है वो 2023 से पाकिस्तान को मिलने लगेंगी। ऐसे में
पाकिस्तान के पास 2028 तक 11 AIP से सुसज्जित पनडुब्बियां उसके पास होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I सिंगल वेंडर सिचुएशन में है, जिसमें अगर फिर से टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू होती है तो इसका मतलब है कि 3 से 4 सालों का वक्त और लग सकता है। ऐसे में भारत के पास सिर्फ एक विकल्प यानी कि ऑप्शन बचा है कि प्रोजेक्ट 75I को न्यूक्लियर अटैक SSN प्रोग्राम में बदल दे, जिसे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और इसे संयुक्त रूप से मझगांव डॉक्स लिमिटेड और LNT द्वारा बनाया जाना चाहिए। क्या दोस्तों आप इस बात से सहमत है कि प्रोजेक्ट 75I को अब न्यूक्लियर अटैक्स SSN प्रोग्राम में बदला जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों दुनिया जहां अब छठी पीढ़ी के विमानों पर काम कर रही है, ऐसे में अमेरिका अपने 6th generation फाइटर जेट एयरक्राफ्ट का फुल स्केल डेमोंस्ट्रेशन कर चुका है 2021 में। यही नहीं, इसके अलावा जो चाइना है वो 6th generation के एयरक्राफ्ट पर काम करना शुरू कर चुका है और 2025 से 2030 के बीच उसका 6th generation का यानी कि 6th generation वाला ये जो एयरक्राफ्ट है वो सामने आ जाएगा। लेकिन भारत AMCA Mk1A और Mk2 वेरिएंट पर काम कर रहा है। बता दें कि Mk2 वेरिएंट जो होगा AMCA का वो 5.5th generation वाला एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें कि भविष्य की कई तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे कि इसे 6th generation के फाइटर जेट के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इसमें रिमोट पायलटिंग, ऑटो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, लेजर पॉड्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स, लंबी दूरी के हथियार और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटेलिजेंस सर्विलांस सिस्टम और सेंसर इसमें लगाए जाएंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दगन ने कहा कि वो स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को कभी स्वीकार नहीं करेगा। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि तुर्की की आपत्तियों पर बात करने के लिए जल्द ही एक प्रतिनिधि तुर्की जाएगा। इस पर अर्दगन ने कहा कि डिप्लोमेट्स को तुर्की आने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग तुर्की पर प्रतिबंध लगाते हैं उनको नाटो में शामिल होने के लिए हम कभी नहीं कहेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्वीडन या फिनलैंड दोनों में किसी देश का आतंकी संगठनों के खिलाफ साफ स्टैंड नहीं है। उन्होंने स्वीडन को आतंकियों का पालतू ग्रह करार दिया है। फिनलैंड के बाद स्वीडन ने भी ऐलान किया है कि वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो की सदस्यता के लिए अनुरोध करेगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें फिनलैंड और स्वीडन के आवेदनों से कोई दिक्कत नहीं है। फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही देशों में जनता की राय 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले नाटो में शामिल होने के खिलाफ थी, लेकिन उसके बाद अब दोनों ही देश नाटो में शामिल होने के लिए समर्थन कर रहे हैं। रशिया ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें कोई दिक्कत इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्हें स्वीडन या फिनलैंड से कोई दिक्कत नहीं है और इनसे रशिया को कोई सीधा खतरा भी नहीं है। हालांकि इन देशों में किसी भी सैन्य विस्तार पर उनकी प्रतिक्रिया आती रहेगी। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।